प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट वन। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। इसमें आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में की थी, जब वे अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक ही फैले थे। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्त्रोतों से भरा हुआ है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अथर्ववेद, इसमें मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन मिलता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है।